साधकों को हमारे शिक्षक करके दिखाएंगे एक सिद्ध आसन। सिद्ध आसन के लिए दोनों एड़ी पंजे सामने मिला लें, पंजे तान दें, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। जिनको घुटनों में दर्द रहता है वो सिद्ध आसन का अभ्यास शुरू में ना करें। जिनको खासतौर पर कार्टिलेज डैमेज हो गए वो इस बात का ध्यान करेंगे। इसमें बाएं टांग को मोड़ें और शिवनी नाड़ी से स्पर्श करा दें। दाएं टांग को उसके ऊपर लेकर के जाएं, एड़ी को उपस्थ अंग के मूल में ऊपर की तरफ रखें। दोनों पंजे दोनों पिंडलियों के मध्य आ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें बंद कर लें, श्वास सामान्य करें और अपनी छोटी और बड़ी आंतों के ऊपर मन को एकाग्र करके बैठें। हमारी विशेष एक नाड़ी नीचे पाई जाती है जो कुहू नाड़ी कहलाती है, और शिवनी नाड़ी और वारुणी नाड़ी, ये तीन नाड़ी हमारे नीचे निष्कासन अंगों के पास स्थित होती हैं। वह तीनों ही नाड़ियां इस आसन में देर तक बैठने से प्रभाव में आती हैं, और वो तीनों जब सक्रिय होती हैं तो हमारे निष्कासन प्रक्रिया से संबंधित जो रोग हैं वह स्वतः ठीक होने लगते हैं। बहुत धीरे धीरे वापिस आए साधक, इस आसन को दूसरे वापिस आ जाएं, टांगे खोल आगे की तरफ ले लें, विश्राम की स्थिति में बैठें। जब यहां हम जैसे पहले हमने यहां पर एक टांग मोड़ी दूसरी उसके ऊपर रखी, तो इसकी विपरीत दिशा से भी साधक बाद में अभ्यास कर सकते हैं।